हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम एक चैप्टर रीडिंग कर रहे थे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपर्ट डिटेक्टिव। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि माया और निषाद दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं। उन्होंने एक पर्सन को देखा, एज यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज़ माया एंड दिस इज़ निषाद एंड दे सॉ अ पर्सन एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज़ नॉट येट रिवील्ड इन द स्टोरी। ठीक है, सो अभी दोनों ये भाई बहन क्या कर रहे हैं, एक इस पर्सन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कौन है, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आगे हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। यहाँ से पेज नंबर 87 है ये। So let's get started. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. शायद पुलिस को उसे घर से बाहर निकालने के लिए उसे घर में आग लगानी पड़ी होगी। I suggested, Seven looked unsure. मैंने उसे क्या दिया, एक suggestion दिया। जो Seven है वो बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, confused लग रहा था। On the Monday following Mama's birthday, उसने कहा कि मम्मी के जन्मदिन के बाद आने वाले सोमवार को, Seven went alone with her to the clinic at Girgaum. As I was spending the evening with the school friend, तो उसने कहा कि शाम को सेवन, जो सेवन है बॉय है, उसके साथ गिरगाम क्लिनिक अकेला ही गया क्योंकि मैं अपनी शाम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बिता रहा था। When they returned, जब वे वहाँ से वापस आए, निषाद told me, निषाद ने मुझे कहा, he had been to see Mr. Nath and the name of that person is Mr. Nath. ठीक है, जो stranger person था उसका नाम क्या था, Mr. Nath. He had seen Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो उसने क्या कहा कि उसने बताया मुझे कि मैंने मिस्टर नाथ को देखा और मुझे बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, निराशा हो रही थी कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं था। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gone appearance and was sure that he was starving. तो सेवन बहुत ज़्यादा देखकर अपसेट और चुप हो गया उनकी अपीयरेंस को, जैसे मिस्टर नाथ देखते थे उनकी कंडीशन को देखकर उसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, open the door quickly, Mr. Nath. उसने कहा कि उस शाम वो मिस्टर नाथ के घर गया था और उसने ज़ोर ज़ोर से जाकर दरवाज़ा खड़काया था कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोल दीजिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो एक पर्सन आया और उसने क्या किया, आकर दरवाज़ा खोला और उसने पूछा, एक और कंचा खो दिया। मार्बल का मतलब क्या है, यहाँ पर कंचे से है, जो कि बंटे आप लोग खेलते हैं उससे। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसे वास्तव में मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट। निषाद ने क्या किया, जो मिस्टर नाथ है उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनके हाथ में एक चॉकलेट बॉक्स दे दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक, सेवन आई सेड। तो उसने कहा कि क्या तुम्हें उनके जो ट्रंक है, जिसे तुम्हें लगता है कि उन्होंने अपने ट्रंक में गोल्ड या सिल्वर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो पूछ रही है कि क्या तुम्हें उनके ट्रंक में झांकने का मौका मिला उस समय जब तुम उनके घर पर गए थे। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, निषाद बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर डिसअपॉइंट का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा निराश लग रहा था वो। He didn't even ask me in, he said. उसने कहा कि मुझे मिस्टर नाथ ने अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। Then he smiled. उसके बाद उसने हंसा। But I did found out something, माया। उसने कहा लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा मिला। I went down to the restaurant where Ramesh worked and talked to him. उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जहाँ से मिस्टर नाथ का खाना आता है, और वो खाना लेकर कौन आता है, रमेश आता है। उसने कहा कि मुझे रमेश से मिलने जाना है। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। तो माया ने क्या कहा कि अच्छा है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए मिस्टर डिटेक्टिव। उसने उसकी पीठ थपथपाई, उसने कहा कि उसे अच्छे से क्वेश्चन पूछना। सेवन लुक प्लीज, सेवन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील फॉर द मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप्स ऑफ द टी, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून।
तो मिस्टर उसने रमेश ने उसे क्या बताया कि वो 2 बार मिस्टर नाथ के घर खाना लेकर जाता है, 2 टाइम, और 2 कप ऑफ टी सुबह और शाम के लेकर जाता है और आफ्टरनून में भी लेकर जाता है। रमेश सेड ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड। उसने कहा कि वो ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं खाते हैं, वो एक ही प्रकार का भोजन है जो रोज़ खाते हैं, 2 चपातीज, सम दाल एंड वेजिटेबल। उसने कहा कि वो 2 चपाती, दाल और वेजिटेबल्स डेली खाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। उसने कहा जो मिस्टर नाथ हैं वो मुझे टिप भी देते हैं और पैसे भी देते हैं खाने के। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। उसने कहा कि रमेश ने मुझे कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ बताई जो मुझे बहुत ही विचित्र लगी। सेवन एडिड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। उसने कहा कि एक अजीब बात मुझे रमेश ने ये बताई कि संडे के दिन वह मिस्टर नाथ के लिए क्या लेकर जाता था, मिस्टर नाथ के घर 2 इंसानों के लिए खाना लेकर जाता था, लंच लेकर जाता था, और वो एक इंसान जो हर संडे उनके घर आता था वो सेम ही होता था। मिस्टर नाथ रूम एंड सेम मैन ही इज़ टॉल, कहते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा था, फेयर गोरा था, स्टॉट एंड वियर्स एंड स्पेक्टल्स। उसने क्या लगाए हुए होते थे, चश्मे लगाए हुए होते थे। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अलॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। उसने रमेश ने बताया कि जो विजिटर है जो वहाँ पर हर संडे उसे मिलने आता है वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वे मिस्टर नाथ की तरह नहीं हैं जो बिल्कुल चुप चुप रहते हैं। वेल्डन निषाद आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरी। तो माया ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया उनकी इंक्वायरी निकाल कर, हमारी इंक्वायरी में कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। विल ऑल have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook। तो उसने कहा, माया ने कहा कि हमें एक अच्छे डिटेक्टिव बनने के जो सारे लेवल हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे सो दैट हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ पाएँ। The monsoon broke the next day, dark cloud accompanied by the blinding flashes of the lightning and roaring rolls of the thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. कहते हैं अगले ही दिन घने बादल आ गए और जो गलियां हैं, कॉलोनी की गलियां हैं, बारिश के पानी से फ्लड से भर गई थी। स्कूल वॉज हैव टू बी री ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नॉट ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। कहते हैं समर वेकेशन के बाद उस दिन दोबारा स्कूल लगने थे लेकिन फ्लड की वजह से, बारिश की वजह से उस दिन छुट्टी हो गई थी हमारी। आई थॉट आईड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद द शीट ऑफ द पेपर बिफोर मी। उसने कहा, माया ने क्या कहा कि वह दिन, उस दिन मैं अपने डेस्क पर बैठ कर एक पेपर और पेंसिल लेकर कुछ लिखने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका जो सेकेंड पार्ट है इसकी रीडिंग हम कल स्टार्ट करेंगे। सो बच्चे, इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।